So hello everyone. So this is the first class of geometry marathon, a very very important session. So in this series, in geometry marathon series, I will discuss approximately 100 questions. जिसमें कुछ questions, काफी questions आपके CAT exam and other management exams just like ZET, IFT वगैरह के भी रहेंगे. So पूरा इससे हम कोशिश करेंगे कि सभी कॉन्सेप्ट्स के पर क्वेश्चन जस्ट लाइक ट्राइंगल, सर्कल्स, एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, मेंसुरेशन पर क्वेश्चन हम कवर कर लें इस सीरीज में. ठीक है, तो और सारे ही क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे. तो ट्राई दिस क्वेश्चन विच इज, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स दैट अ 14 साइडेड पॉलीगन कैन हैव. Last 30 seconds, guys. बेटा 14 साइडेड पॉलीगन है तो हर्षित, तो ऑब्वियसली 14 एंगल्स तो होंगे ही ज्यादा से ज्यादा. चलिए आइए डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स दैट अ 14 साइडेड पॉलीगन कैन है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली कितना है, 14 साइडेड पॉलीगन है और हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन इज एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री. तो हेयर एन इज 14, 14 साइडेड पॉलीगन इज 14 माइनस 2 इज 12, 12 इंटू 180 डिग्री. व्हेन यू सॉल्व दिस इट्स कम्स आउट टू बी 2160 डिग्री. ये जो 14 साइडेड पॉलीगन है इसका इंटीरियर एंगल का सम कितना रहेगा, 2160 डिग्री. एक्यूट एंगल्स मीन्स एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज एक्यूट एंगल. तो हमारे पास है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स दैट अ 14 साइडेड पॉलीगन कैन हैव. तो अगर मैं बेसिकली ऑप्शन से ही सॉल्व हो पाएगा आपका ये, अगर मैं अप्रोक्सीमेट सारे 14 के 14 एंगल्स एक्यूट एंगल एज्यूम करता हूँ, जो कि ऑप्शन में है भी नहीं, केवल आपको समझाने के लिए एज्यूम कर रहा हूँ मैं, सबका सम 2160 होना चाहिए. तो 14 तो ऑब्वियसली सबका जो एक्यूट एंगल रहेंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा उनकी वैल्यू रहे लेस देन 89, मैं अप्रोक्सीमेटली मीन्स एक्यूट एंगल ले सकता हूँ 89.9999, मीन्स अप्रोक्सीमेटली मैं ले रहा हूँ 90 डिग्री. इक्वल टू 90 डिग्री नहीं, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री मीन 89.99. तो मैं अगर इतना भी लेता हूँ तो मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल हो सकता था, 14 इंटू 9 इज 126, 1260, बट सम आना कितना चाहिए 2160, काफी डिफरेंस है. तो एक काम करता हूँ मैं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, मीन 14 की 14 तो नहीं हो सकते. अगर मैं 12 लेता हूँ, कितना लेता हूँ 12, मैंने एज्यूम कर लिया 12 एंगल्स एक्यूट है. ठीक है, तब कंडीशन फुलफिल कर पा रही है नहीं कर पा रही है, मीन सम 2160 आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है. अगर मैं 12 एंगल्स को एक्यूट एज्यूम करता हूँ मैं, और मैं अप्रोक्सीमेटली 90 ले लेता हूँ एक एंगल को, अप्रोक्सीमेटली 90 मीन्स 89 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली 99 अप्रोक्सीमेटली. तो 12 इंटू 90 कितना हो जाएगा भाई, 12 इंटू 9 इज 108, मीन्स 12 इंटू 90 कितना हो जाएगा 1080, मीन्स 1080 आपका क्या आ जाएगा, सम आ रहा है 12 एंगल्स का, 12 एक्यूट एंगल्स का. तो बाकी कितना बचा, टोटल सम कितना आना चाहिए, 14 एंगल्स का 2160 माइनस कर दीजिए 1080, 2160 माइनस 1080 मींस इसका हाफ ही एक तरह से, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 1080. कितने एंगल्स बचे हैं, टोटल 14 एंगल्स है, 12 का सम तो ये है, तो ये सम कितने एंगल्स का होना चाहिए था, बाकी दो का, और एक एंगल का मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 360. एक एंगल का कितना सम हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 360 मीन्स
359.99 एक तरह से, बिकॉज 360 पे क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा वो। क्या टू एंगल का इतना सम पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसका टू एंगल का एट मैक्स सम कितना हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 720, बट आना कितना चाहिए 1080, नॉट पॉसिबल। सिमिलरली आप 11 का देखेंगे तो 11 से भी नहीं मिलना है, कितना आ जाएगा आपका 10 एक्यूट एंगल्स मिल जाएंगे। अगर देखते हैं 10 एक्यूट एंगल्स एज्यूम किए मैंने, मीन्स 10 इंटू अप्रोक्सीमेटली 90, दिस इज नॉट इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1080, 10 इंटू 90 इज 900, मीन्स 10 एक्यूट एंगल्स का मैक्सिमम सम कितना हो सकता है 900, मीन्स 10 इंटू 90 इज 900, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 900। कितने एंगल्स और बचे? 4 एंगल्स। अब कितने सम आना चाहिए इनका, 2160 माइनस 900, इट्स कम्स आउट टू बी 1260, कितना आना चाहिए 1260, अप्रोक्सीमेटली 1260। और कितने एंगल्स बचे? 4 एंगल्स, 4 एंगल्स, एक एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है अप्रोक्सीमेटली 360, मीन लेस देन 360 बेसिकली। तो 4 एंगल का कितना हो सकता है, 4 इंटू अप्रोक्सीमेटली 360 मीन्स इट्स कम्स आउट टू बी 1440 तक कवर, अप्रोक्सीमेटली 1440, जस्ट लेस देन 1440 तो कवर कर सकते थे वो 4 एंगल्स। उस सम हमें चाहिए कितना, 1260 ही इजिली उनके इक्वल हो सकता है, मीन्स मैक्सिमम कितने एक्यूट एंगल हो जाएंगे आपके इन 14 साइडेड पॉलीगन में, 10 एक्यूट एंगल्स। कितने एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे आपके, 10 एक्यूट एंगल्स। जैक स्पैरो समझ आया? बेटा ये कॉन्वेक्स कहीं नहीं बोला है ना जैक स्पैरो, कॉन्वेक्स बोलता तब हम ये कंडीशन लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10। उसने बोला है कि 14 साइडेड पॉलीगन का। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, से यस और नो। यस क्लियर है भाई सभी को? ये मैंने 14 साइडेड पॉलीगन दिया था, आपको 5 साइडेड बोल दे, आपके लिए होमवर्क है, आप 5 साइडेड का मुझे सॉल्व करके, पेंटागन का आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कितना आएगा, सेम क्वेश्चन। दिस इज द होमवर्क फॉर एवरीवन। प्रशांत वो आप ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा पॉसिबल है या नहीं है। ट्राई दिस वन, और गाइस ये जो मैराथन क्लासेस रहेंगी केवल 1 आवर की रहेगी, तो कोशिश करनी है कि इस तरह से फीलिंग आए कि जैसे कैट का एग्जाम हम दे रहे हैं, ठीक है। प्लीज इस तरह से हमें फोकस करके करना है कि हमें कैट एग्जाम दे रहे हैं और उसी पूरा फीलिंग के साथ, बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें। और मैं एट मैक्स टाइम 2 मिनट्स का दूंगा आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के लिए। और आपको जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा सभी से। और ये जो सेशन रहेंगे आपके मैराथन सेशन रहेंगे, ये एकदम फ्री है ऑनलाइन पर, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आइए फंडा मेकर के प्लेटफॉर्म पर, और ये सेशन जो भी अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा वेरी वेरी यूजफुल सेशन है ये, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको डिफरेंट वैरायटी डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे सभी में। लास्ट 30 सेकेंड्स का है,
देखते हैं। चलिए मैक्सिमम पर्सन का सही आ रहा है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि अगर हमें पेरीमीटर गिवेन है, कॉन्स्टेंट वैल्यू गिवेन है, पेरीमीटर हमें ट्राइंगल गिवेन है, और हमें मैक्सिमम एरिया, कौन सा ट्राइंगल देगा, और हमेशा ध्यान रखिएगा अगर पेरीमीटर गिवेन है तो मैक्सिमम एरिया हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल देता है। क्या देता है हमें? मैक्सिमम एरिया हमें कौन सा ट्राइंगल देता है? हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल देता है। आप लोग खुद से एक बार इसे प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? अदरवाइज मैं इसका जो डेरिवेशन या प्रूफ रहेगा मैं फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दूंगा, वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी करके देख लीजिएगा। हीरोज फॉर्मूला वगैरह से हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। मीन्स आपका अगर पेरीमीटर गिवेन है तो मैक्सिमम एरिया किस ट्राइंगल का मिलता है? हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का मिलता है। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, अगर हमें ये प्रॉपर्टी मालूम हो, अगर हमें यही नहीं मालूम हो तो सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सेम क्वेश्चन को। और हमें मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। कितना होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। पेरीमीटर कितना गिवेन है? 300। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3a, विच इज इक्वल टू 300। साइड कितनी आ जाएगी आपकी? 100। हम इसमें पुट कर देते हैं सिंपल फॉर्मूला में, √3/4 साइड स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर, मीन्स इट कम्स आउट टू बी √3/4 10,000। वेन यू सॉल्व दिस इट कम्स आउट टू बी √2,500। कितना आंसर आ जाएगा आपका? √2,500। वेरी गुड, काफी लोगों का सही था, ठीक है? आपको चलिए ये प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, जिसको नहीं आइडिया था वो लोग आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सुमन, काफी लेट कर दिया भाई। क्वेश्चन इज, रवि ड्रॉज अ क्वाड्रिलेटरल क्यू, ही जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड टू गेट अ न्यू क्वाड्रिलेटरल क्यू वन, ही रिपीट्स द प्रोसेस ट्वाइस, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द क्वाड्रिलेटरल क्यू फॉर्म। अभी तक सभी का गलत है। चलिए आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? अभी तो मैं सबका प्रूफ नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप मुझे बता दीजिएगा डिस्कस करने के बाद,
मैं जितने भी इसका प्रूफ सभी का मैं फेसबुक पेज जो है फंडा मेकर्स का मैं उस पर पोस्ट कर दूंगा, सारे इसके डेरिवेशन वगैरह, ठीक है। बट जो पॉसिबल रहेगा मैं अभी बता दूंगा। आगे से ध्यान रखिएगा, लेट से अगर मेरे पास कोई क्वार्टर लेटर है, मेरे पास कोई अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, तरह से कुछ भी ले लेते हैं, अगर मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट ज्वाइन करता हूँ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मैं मिड पॉइंट ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं मिड पॉइंट ज्वाइन करता हूँ तो मुझे मिलता है पैरेललोग्राम। क्या मिलता है? एक पैरेललोग्राम मिलेगा। और अगर मैं किसी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट ज्वाइन करूँगा, अगर मैं किसी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट ज्वाइन करूँगा तो मुझे जो फिगर मिलती है वो होती है रेक्टेंगल। क्या होती है? वो रेक्टेंगल। और अगर मैं किसी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट ज्वाइन करूँगा, अगर मैं किसी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट ज्वाइन करूँगा तो जो फिगर मिलती है वो होती है रोम्बस। वो क्या होती है? रोम्बस। और अगर मैं किसी रोम्बस के मिड पॉइंट ज्वाइन करूँगा जो फिगर मिलती है वो होती है स्क्वायर। क्या होती है? स्क्वायर। अब स्क्वायर के बाद हमेशा स्क्वायर ही मिलता रहेगा, और स्क्वायर के बाद हमेशा स्क्वायर ही मिलता रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा आगे से, ठीक है। इसका प्रूफ चाहिए होगा तो मैं आपको फेसबुक पेज पे पूरा पोस्ट कर दूंगा, पूरा पीडीएफ में है मेरे पास। तो अगर मैं कहूँ क्वाड्रिलेटरल का बता देता हूँ, इस तरह से किसी को डाउट हो रहा हो तो, कि लेट से इस तरह से कोई भी फिगर है, ये मिड पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करता हूँ इसके, लेट से ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये मैंने मिड पॉइंट ज्वाइन किए, तो देखिएगा मिड पॉइंट ज्वाइन किए किस रेशियो में होंगे, 1:1, और ये भी किस रेशियो में होएगा, 1:1। लेट से दिस इज ई, दिस इज डी, मीन्स ए डी बाई, सॉरी दिस इज ई, दिस इज एफ ले लेते हैं, मीन्स ए एफ बाई एफ डी किस रेशियो में होंगे, 1:1, और ए ई और ई बी किस रेशियो में होंगे, 1:1। मैं इस डी बी डायगोनल को ज्वाइन कर देता हूँ, इस डी बी डायगोनल को ज्वाइन किया मैंने, तो अगर देखिएगा ट्राइंगल ए एफ ई और ट्राइंगल ए डी ई, ये साइड्स किस रेशियो में, 1:1। तो मिड पॉइंट थ्योरम अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये साइड एफ ई पैरेलल आ जाएगी किसके, बी डी के, एफ ई किसके पैरेलल आ जाएगी, बी डी के। सिमिलरली इधर देखिएगा, ये 1:1 रेशियो में, ये भी 1:1 रेशियो में, तो लेट्स से ये ले लेते हैं जी, ये ले लेते हैं एच। सिमिलरली ट्राइंगल सी जी एच और सी बी डी बी में भी मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये साइड जी एच भी किसके पैरेलल आ जाएगी, इस डायगोनल बी डी के, मीन्स एफ ई इस डायगोनल बी डी के पैरेलल है और जी एच भी इस डायगोनल बी डी के पैरेलल है, तो साइड एफ ई, साइड एफ ई किसके पैरेलल आ जाएगी भाई, एच जी के। सिमिलरली हम ए सी डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो बाकी दो साइड पैरेलल आ जाएंगी, सिमिलरली इसी तरह से कि एफ एच पैरेलल आ जाएगी आपके ई जी के, विच मीन्स क्या हुआ, क्या हो गया, मिला क्या मिलेगा हमें, पैरेललोग्राम। सिमिलरली पैरेललोग्राम से हमें क्या मिलता है, रोम्बस, रोम्बस से सॉरी पैरेललोग्राम से क्या मिलता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद हमेशा क्या मिलता है, स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें क्यू गिवन था, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, तो क्यू वन क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, क्यू टू कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल, क्यू थ्री क्या हो जाएगा, रोम्बस, और क्यू फोर कितना हो जाएगा, स्क्वायर। और अगर मैं आपसे क्यू वन मिलियन या क्यू 10,000 भी पूछता तब भी क्या मिलता आपको, स्क्वायर। अब उसके बाद तो इन्फिनिटी तक हमेशा स्क्वायर ही मिलता रहेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक क्लियर। और प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा जल्दी, ठीक है, जितना आप लोग जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, उतने ज्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाएंगे। और खुद से आप खुद से एक्टिव रहिए यार, एक तरह से इस तरह रहिएगा, आप पूरा फील कीजिए कि आप कैट सेंटर के रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया खुद से तुरंत बोले सर नेक्स्ट 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 होते ही, ठीक है, और प्लीज फील करके बैठिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, और आने वाली क्लासेस में यही रहेगा, ठीक है। आपको इस तरह सोचना कि हम जैसे कैट सेंटर एग्जाम दे रहे हैं। एंड इन दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग ओनली 1 मिनट, वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट टाइम में।
हाँ मिड पॉइंट थ्योरम, सुशांत मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं उसे। हाँ प्रशांत आप अपना डाउट जो है फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दीजिएगा डियर, ठीक है। मैं आपको वहाँ रिस्पॉन्स कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पर अभी काफ़ी क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। आप मुझे आप डेफिनेटली आपकी क्वेरी ले लूँगा, जो भी आपको डाउट आ रहा है आप वहाँ पोस्ट कर दीजिएगा प्लीज़। मैं आपको अपनी आईडी बता दूंगा, आप उस पर मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। आई एम द मॉडरेटर ऑफ दी ग्रुप, ठीक है, डोंट वरी। और बेटा वो उसके 10 एंगल्स एक्यूट रहेंगे, बाकी ऑब्ट्यूज रहेंगे, जो भी एंगल्स रहे आपसे वो जो भी फिगर बना सकते हो उस तरह की आप बना दीजिए, ठीक है। जिस भी तरह की आप फिगर बना पा रहे हैं आप उस तरह की बना दीजिए, बिकॉज 10 पे तो स्ट्राइक टाइप का आ जाएगा, बाकी बाकी 4 एंगल आपको ऑब्ट्यूज भी रखने पड़ेंगे, ठीक है। आपको उससे जो भी फिगर माइंड में आती है आप उस तरह की ड्रॉ कर सकते हैं कि हम 10 एंगल एक्यूट लेकर 4 ऑब्ट्यूज लेकर जो भी बना पाए फिगर, और डेफिनेटली 90 से ज्यादा आ रहा है तो स्टार उस पर नहीं बनेगा, बाकी 4 पर। यस गाइस टाइम ओवर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। दो तरह से सोचेंगे, सिंपल क्वेश्चन था, इतना टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए था। क्वेश्चन इज द डायमेंशन ऑफ फील्ड आर 12 बाय 9, आप फिर 10 मीटर लॉन्ग, 4.5 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप इज डग इन द वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द फील्ड एंड द अर्थ रिमूव्ड हैज बीन इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड। व्हाट विल बी द राइज इन द हाइट ऑफ द फील्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन। तो देखिए अगर हम कि लेट्स से दिस साइड इज 20, ये ले लेते हैं हम 9, एक कॉर्नर पर हमने 10 बाय 4.5, मीन 10 इज हाफ, 4.5 इसका हाफ रहेगा। यहां से अर्थ रिमूव की इस पोर्शन से, दिस इज 10, दिस इज 4.5, और बाकी पार्ट में स्प्रेड कर दिया। अब कुछ लोग इस तरह से कर रहे होंगे भाई कि सर इसका वॉल्यूम देख लेंगे कि ये कितना हो गया, 10 × 4.5, और इसका कितना है 3 मीटर डीप × 3, तो बाकी इस 30 पार्ट में, 3 पार्ट में, इस बाकी में, इस रेक्टेंगल पार्ट में स्प्रेड की है, तो मान लो उसकी हाइट हमने कितनी एज्यूम कर ली h, और बाकी कुछ इस तरह कर रहे होंगे कि इनका बाकी 30 ये पार्ट बचा है, रिमेनिंग फील्ड बची है उसका एरिया इक्वेट कर रहे होंगे किस तरह से, या तो ये 4.5 ये भी हो गया, इस 20 × 4.5 प्लस ये हो गया आपका 10 × 4.5, आप इससे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, बट कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसे एक तरह से एनालाइज करें इस फिगर को, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर मैंने यहाँ से ये पोर्शन जो है, ये शेडेड पोर्शन एक तरह से 1/4 है, ये शेडेड पोर्शन जो है एक तरह से 1/4 है इस फील्ड का, बिकॉज इसकी एक लेंथ कितनी है 10, ये कितनी है 4.5, तो मैंने 1/4 पोर्शन से अर्थ रिमूव की, कितने मीटर 3 मीटर डीप, और बाकी 3 पोर्शन, 3 इक्वल पोर्शन है ये तीनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और मैंने 3 इन पोर्शन में स्प्रेड कर दी, ठीक है। एक पार्ट से मैंने अर्थ रिमूव की 3 मीटर डीप, और बाकी पार्ट पोर्शन में स्प्रेड कर दी, 3 इक्वल पार्ट में स्प्रेड कर दी, साफ साफ मालूम चल रहा है ना कि वो जो 3 पार्ट में स्प्रेड हुई होगी वो कितने मीटर, क्या हाइट होगी उसकी, ऑब्वियसली 1 मीटर, मीन्स एक तरह एक स्लाइस 3 मीटर डीप की एक स्लाइस एक तरह एज्यूम कर लीजिए, वो तीनों में स्प्रेड करो कितना आ जाएगा 1 1 1, तो ऑब्वियसली आंसर कितना आ जाएगा 1 मीटर, डायरेक्ट दिख भी रहा है हमें, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं थी इसके अंदर। तो क्वेश्चन देख के एक बार सोचना भी चाहिए कि डायरेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है एक तरह से। क्लियर भाई, सभी को कोई डाउट इसके अंदर? यस एनी डाउट टू एनी वन, इज दिस क्लियर गाइस? ऑल ऑफ यू, मुकेश,
शुभम, कामरान, महिमा, आकांक्षा, संजना, अमीश, ऋषभ, महिमा, मीस उन्नति, अंशुल, एनी डाउट? नेक्स्ट पर चले भाई, चलिए ऋषभ, हमने एक तरह से लास्ट क्वेश्चन में 1/4 पार्ट से अर्थ रिमूव की, इसको मैंने चार सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, बिकॉज वन कॉर्नर से जो हमने अर्थ रिमूव की है वो 1/4 है उस पूरे रेक्टेंगल का, ठीक है, तो मैंने उसे 1/4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मैंने 1/4 से अर्थ रिमूव की जिसकी डीप कितना है 3 मीटर, बाकी तीन पार्ट में, तीन इक्वल पार्ट बचे हैं, वो तीन पार्ट में डिवाइड कर स्प्रेड कर दे रहा हूँ मैं उसे, तो यार कितना कितना हाइट होगा बाकी 3 मीटर, एक में एक तरह से मैंने एक 1/4 कॉर्नर से, मीन 1/4 जो रेक्टेंगल है उसका 1/4 पोर्शन से अर्थ रिमूव किया, जिसकी 3 मीटर डेप्थ डीप मैंने अर्थ रिमूव किया, बाकी तीन इक्वल पार्ट में स्प्रेड कर दिया, तो बाकी कितना आएगा 1/1/1 आएगा। यस ऋषभ, समझ आया अब आपको यार, ट्राई दिस वन गाइस। भाई अब हम 2 से 3 क्वेश्चंस और करेंगे, 2 मिनट्स का टाइम है आपके पास, यू ऑल हैव 2 मिनट्स टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब बाकी जितने भी हम 2 या 3 क्वेश्चंस डिस्कस हो पाएंगे वो कैट एग्जाम के ही रहेंगे। कुछ लोगों को डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, बना लेता हूँ कि अ सर्टेन सिटी हैज अ सर्कुलर वॉल अराउंड इट, तो एक तरह से एक सर्कल है, ये एक सिटी है जिसके चारों तरफ सर्कुलर वॉल, एंड दिस वॉल हैज 4 गेट्स, इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ। A house is found outside this city, 3 kilometers north of the north gate. यहाँ से 3 kilometers. It can just be seen. सबसे important line इस question की. It can just be seen from a point 9 kilometers east of the south gate. Let's say this center. This is point A. Then it B. Then it C. Then it D. अब और इजी हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए, अब मैंने डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया है।
लास्ट 30 सेकेंड्स गाइस। चलिए आइए देखिएगा, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। ध्यान से देखिएगा, टाइम होगा। बोला है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वॉल दैट सराउंड द सिटी। तो दो तरह से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। फर्स्ट एक ट्रेडिशनल अप्रोच देख लेते हैं। तो बीओ, बीओ क्या होएगा, रेडियस होएगी, इसे आर ले लेते हैं। तो ओसीबी क्या होएगी, रेडियस होएगी, और ये ऑब्वियसली टेंजेंट है एक तरह से सी डी, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और ये ओ ई को ज्वाइन कर रहा है, ये ए डी क्या है, टेंजेंट है एक तरह से, सर्किल टच करते हुए जा रहा है, तो ये कितना होगा 90। अब ये देखिएगा, इट कैन जस्ट बी सीन फ्रॉम दी पॉइंट 9 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द साउथ गेट। तो यार जस्ट सीन कर पा रहा है, डी से आगे भी नहीं ले जा सकते, फिर तो इजिली विजिबल रहेगा वो पॉइंट ए। और अगर ये डी थोड़ा पहले होता तो वॉल के कारण ब्लॉक हो जाता, देख ही नहीं पाते। तो एक तरह से डी और ए को जब लाइन टच ज्वाइन करेंगे, टच होती भी जानी चाहिए सर्कल से, ठीक है। तो यही इस तरह से फिगर ड्रॉ कर पाएंगे आप। तो ये ई पर 90 डिग्री बनेगा, हम जानते हैं रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाती है। तो अगर मैं देखूं और ये एंगल कॉमन हो गया आपका ए, तो ट्राइंगल ए ई ओ सिमिलर हो जाएगा आपका ए सी डी के, क्लियर है भाई। ए ई ओ ये 90 डिग्री है, यहाँ ये 90 डिग्री है, ये ए कॉमन है, ए ई ओ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के। तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ इस तरह से कि ए ओ अपॉन ए सी इक्वल हो जाएगा आपका ओ ई अपॉन सी डी, क्लियर गाइस। तो ए ओ कितना है भाई, ए ओ, ए ओ है आपका 3+r, और ए सी कितना है, ए सी है आपका इक्वल टू हो जाएगा ये आपका ए ई अपॉन दिस वन, ए ओ अपॉन हुआ आपका ए ओ अपॉन ओ सी, सॉरी ये दिस वन ए ई, ये हुआ आपका ए ई अपॉन 90 डिग्री, कौन सा साइड है ये, ए ई अपॉन ए सी लेंगे इक्वल्स टू ओ ई अपॉन सी डी। सिमिलरली हो जाएगा आपका ए ओ अपॉन ए डी, ए ओ अपॉन ए डी, ये आपकी सिमिलरिटी आ गई, ठीक है। क्या आ गया, ये आपका सिमिलरिटी। कोई डाउट इसके अंदर किसी को भी, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट टू रिलेशन लेता हूँ, ठीक है, कौन सी रिलेशन लेता हूँ, फर्स्ट टू रिलेशन लेता हूँ, मीन्स ए ई अपॉन ए सी। तो ए ई कितना रहेगा भाई, ए ई कितना रहेगा आपका, सिंपल सा है कि 3+r का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बिकॉज ये आपका क्या हो गया एक तरह से, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ए, ये है आपकी साइड पूरी हो गई 3+r, ये साइड हमें फाइंड, दिस इज आर, ये साइड कितनी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस जो साइड गिवन है उसका स्क्वायर, मीन्स 3+r का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व दिस इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट इसका 9+r स्क्वायर माइनस प्लस 6r माइनस आर स्क्वायर। तो आप फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9+6r, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9+6r। हाँ महिमा, वो गलती से वहां पर ओ हो गया था, ठीक है। ये है आप क्लियर है भाई, सिमिलरिटी पहले ही बताई थी, आपको सोच रहे नहीं है, ट्राइंगल देख लो कौन सा सिमिलर है। तो ये कितना हो जाएगा, ए ई अपॉन ए सी, ये दो लिए पहले हमने, फिर ये ई ओ अपॉन कितना हो जाएगा सी डी, फिर ये फर्स्ट और लास्ट वाला ले लिया हमने ए ओ अपॉन ए डी, ज्यादा सोच रही नहीं है, क्लियर है भाई सभी को। फर्स्ट टू में हमने सिमिलरिटी अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स ए ई अपॉन ए सी। तो ए ई कितना आया है आपका, रूट 9+6r अपॉन ए सी, ए सी कितना है आपका, ए सी इज 2r+3, 2r+3, और ओ ई कितना है आपका, ओ ई इज आर,
एंड सी डी कितना है आपका 9, सी डी कितना है 9। भाई क्लियर हुआ सभी को ये चीज? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अब आपको कुछ नहीं बचा है, ठीक है? आप इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, आप यू विल गेट रेडियस इक्वल्स 9/2। रेडियस 9/2 आएगी तो डायमीटर कितना आंसर आ जाएगा आपका? 9। डायमीटर कितना आ जाएगा आपका? 9। OE, यार OE रेडियस होएगी ना शिखर, ऋषभ OE क्या होएगी आपकी? रेडियस होएगी, O से E सेंटर सर्कल को टच कर रही है, क्या होएगी ये? रेडियस होएगी ना OE। अब देखिएगा इस तरह भी कर सकते हैं, दिव्यांशु मैं देखता हूँ आपका मेथड भी, ठीक है? इस तरह भी कर सकते थे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस तरह भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे कि भाई ये AC कितना हो गया? AC हो गया आपका 2R+3। एसी कितना हो गया? 2R+3। अब सी डी 9 है तो डी ई भी कितना होगा? 9। सी डी 9 है तो डी ई भी कितना होगा? 9 होएगा, बिकॉज अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं सर्कल पे सेम पॉइंट से, दोनों का लेंथ क्या होता है? सेम रहेगा, ये 9 है तो ये भी 9 रहेगा। तो मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ पूरा ये दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी डी, ये 90 डिग्री है, ये साइड आपकी कितनी है? 2R+3। ये साइड कितनी आपकी है? 9। ये साइड कितनी है आपकी? 9 है। तो थर्ड साइड में से ये पॉइंट हम ले लेते हैं कुछ E, इस तरह हम ED भी जानते हैं, ये कितना है? 9 है। अब देखिएगा इस तरह भी सोच सकते थे कि ऑप्शन से भी कर सकते थे हम डायरेक्टली, ऑप्शन से किस तरह कर सकते थे कि मैं हिंट दे दे रहा हूं आपको, पहले 6 अगर आप देते, 6 मीन्स डायमीटर फाइंड करनी है, डायमीटर क्या होती है? 2R। डायमीटर क्या होती है? 2R। मीन्स 2R कितना लेता है अगर मैं? 6। तो आपकी ये साइड कितनी हो जाती है आपकी? 6+3 इज 9। 6+3 इज 9। तो 9 ये, 9 ये, ठीक है? बाकी आपको AD फाइंड करते हैं, AD आपका आता, ED 9, AD कंप्लीट आया था, ED आपका कितना दे रखा है? 9 गिवन है, तो आपका AE, आपका AE आ जाता, ठीक है? AE आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करना चाहिए, बिकॉज R हमने लिया है कितना? 3। फर्स्ट अगर हमने 2R6 लिया है तो R कितना लिया है? 3। तो ये कितना हो गया? 3। ये भी कितना है? 3। ए भी 3 है, बी ओ 3 है, मीन्स ये ट्राइंगल अगर हम देखें, ये ले लेते हैं AO, AO कितना हो जाता है? 6। OE कितना गिवेन है? 3। तो बाकी साइड भी आपका कितना आना चाहिए? सेटिस्फाइड करना चाहिए था, लेकिन आप फुलफिल नहीं कर पाएगा। बट अगर 9 किलोमीटर देखता हूँ मैं, अगर मैं रेडियस अभी देखते हैं भाई, 9 किलोमीटर ले लेता हूँ डायमीटर, कितना लेता हूँ? 9 किलोमीटर लेता हूँ डायमीटर, मीन्स 2R मैंने कितना एज्यूम किया है? 9 एज्यूम किया है, 2R 9 है, 9+3 कितना हो जाता है? AC कितना हो जाएगा आपका? 12। और ये कितना दे रखा है? 9। अब ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल भी है, ट्रिपलेट भी बनना है, तो ऑब्वियसली पहले मैं यही ट्राई करूंगा। 9 कितना होता है आपका? 3 × 3। और AC कितना है? 12, विच इज 3 × 4। तो थर्ड साइड ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी आपकी? थर्ड साइड कितनी हो जाएगी आपकी? 3 × 5, मीन्स टोटल कितनी हो गया ये? 15। AD कितना हो गया आपका? 15। तो AE कितना हो जाएगा आपका? ये ED 9 है, तो कितना बचा है आपका? 6। ये साइड कितनी बची? 6, मीन्स फुलफिल करना चाहिए, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AO कितना हो जाएगा? 3 प्लस रेडियस कितनी अज्यूम की? 4.5, मीन्स ये कितना हो गया आपका? 7.5। और ये कितना आ गया आपका? एक साइड कितनी आ गई? OE कितनी? रेडियस, मीन्स 4.5। तो ट्राइंगल क्या बना? 4.5, 6 और 7.5, मीन्स राइट एंगल बनना चाहिए, तो ट्रिपलेट होना चाहिए ये भी, तो दिख रहा है सिंपल, ये भी क्या है? ट्रिपलेट है। किसका ट्रिपलेट है? 3, 4, 5 का। किससे मल्टीप्लाई की हुई? केवल 1.5 से मल्टीप्लाई कर दी है। 3 × 1.5 इज 4.5, 4 × 1.5 इज 6, 5 × 1.5 इज 7। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आंसर क्या आ जाएगा आपका? 9 किलोमीटर, ठीक है? ऑप्शन गिवेन है, कैट का क्वेश्चन है, डायरेक्टली दिख रहा है कि आंसर आ जाएगा आपका 9 इज द डायमीटर ऑफ दिस सिटी। क्लियर है गाइस? आई थिंक इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑप्शन से ट्राई करते हैं, उससे भी इजीली आ जाता आपका।
try this one. One and a half minute. वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, ये 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है अगर ध्यान से देखा जाए तो. मुकेश जो भी क्वेरी डाउट हो बाद में सेंड कीजिएगा, ठीक है. और इस सेशन जो मैराथन सेशन रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जो भी जेन्युइन डाउट रहेंगे आप लोगों के, मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, ठीक है, वो डाउट्स मैं डिस्कस करूंगा. मेन फोकस हमारा इस सेशन में रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, ठीक है. वो आई थिंक यूजफुल भी रहेगा आप लोगों के लिए. जितने आप डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे उतना ज़्यादा ईजी रहेगा. यस ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस वन ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट ट्राइंगल ए बी सी डी आर. और कोई भी रेक्टेंगल तो बन नहीं रहा शायद, समझे इशू. आइए देखिएगा, ट्राई करते हैं. सिंपल सी बात भाई, रेक्टेंगल है, ये एंगल कितना होएगा 90 डिग्री, ये एंगल कितना होएगा 90 डिग्री. और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया कितना होता है आपका, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. मैं एक काम करता हूं कि ये तीनों साइड इक्वल है, ए इक्वल है ई एफ के, इक्वल टू है एफ बी के. अब प्लीज बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सब लोग प्लीज. अब यार हाइट, अब मैं ट्राइंगल की बात करूं अगर, ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल, मुझे किसका देखना है, सी ई एफ, लेट से इस वाले का हमें एरिया फाइंड करना है. तो इसका एरिया मैं इस तरह भी फाइंड कर सकता हूँ ना कि ट्राइंगल सी ई एफ का एरिया मीन्स ट्राइंगल सी बी ई माइनस ट्राइंगल दिस वन सी बी एफ, तो किसका एरिया आ जाएगा आपका, सी ई एफ का एरिया आ जाना है आपका. अब ध्यान से अगर हम देखें तो गाइस हाइट तो सेम ही है ना दोनों ट्राइंगल की, अगर एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट तो सेम है, तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, बेस पर डिपेंड करेगा. एरिया किस पर डिपेंड करेगा, बेस पर. तो यार अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को देखता हूँ सी बी ई को, तो इसका बेस डबल है ना, इसका बेस क्या है, डबल है, किससे, इस ट्राइंगल से, सी बी एफ की बेस से. इसका एक्स है तो इस पूरे कितना हो जाएगा 2x. तो यार मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं कहूँ अगर आपसे इस पूरे ट्राइंगल का एरिया मीन सी बी ई का, सी बी ई के ट्राइंगल का एरिया मैं 2 लेता हूँ, तो ऑब्वियसली सी बी एफ का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना एरिया, बिकॉज इसकी बेस डबल है, तो इसका एरिया डबल होगा किस से, सी बी एफ से. तो अगर मैं इसका एरिया 1 लेता हूँ तो इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो सी ई एफ का एरिया भी कितना होगा, 1 होगा. मैंने ऐसी रेंडमली नंबर लिए, देखो रेशियो फाइंड करना है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करनी है. मैं काम करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ डायगोनल ए सी. गाइस ज्वाइन कर रहा हूँ मैं डायगोनल दिस वन ए सी, मैंने सॉरी दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ए सी इज द डायगोनल, मैंने ज्वाइन किया. तो यार अगर मैं देखूँ तो सिमिलरली सी ए बी का एरिया क्या है, 3 टाइम्स हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, 3 times हो जाएगा, बिकॉज इसकी बेस 3 times है, हाइट तो सेम ही है सभी के लिए। एफ बी का एरिया 1 लिया है, तो इस पूरे सी ए बी का एरिया कितना हो जाएगा, इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा इस पूरे का एरिया। और ये डायगनल है, ए सी क्या है, डायगनल, दो इक्वल पार्ट में, टू इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा होगा। मीन्स ए सी के राइट साइड वाला का एरिया 3 है, तो इस साइड का एरिया भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मीन्स टोटल एरिया इस रेक्टेंगल कितना हो गया, 6। और इसमें से सी ई एफ का एरिया कितना हमने फाइंड किया था, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 out of 6। सिंपल सा हमने क्या देखा है इसके अंदर, और डायरेक्ट कुछ सॉल्व नहीं करना है, देखकर भी आइडिया लग रहा है। सिंपल सा हमने क्या अप्लाई किया, हाइट सेम है, हाइट क्या है आपका सेम है, जो एरिया होएगा किस रेशियो में होएगा, बेस के रेशियो में होएगा। एरिया किस रेशियो में होएगा, बेस के रेशियो में होएगा। मीन्स वेरी इजी, मीन्स यू विल गेट योर आंसर विद इन 30 seconds। इस ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस, विच इज 1/6, विच इज 1/6। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई होप क्लियर होएगा सभी को भाई। से यस और नो ऑल ऑफ यू प्लीज रेस्पॉन्ड। अब कुछ बातें मुझे आप लोगों से कहनी थी कि जैसे कि ये मैराथन सेशन है, ये एकदम फ्री है ये आपके लिए, ठीक है। बाकी जो सेशन वगैरह थे, क्लासेस प्रॉपर हुई थी, वो केवल हमारे फंडा मेकर्स स्टूडेंट के लिए है, वो केवल उन्हीं को प्रोवाइड रहेंगे, ठीक है। बट ये क्वेश्चन जो है, जो मैराथन क्लासेस है, जैसे आज ये कुछ सीरीज का मैंने अप्रोक्सीमेटली ये 100 questions की सीरीज मैंने बनाई है, जिसका ये फर्स्ट सेशन था। हम काफ़ी कुछ सेशंस और डिस्कस लेंगे अभी आने वाले टाइम में, टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आप लोग इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और बाकी जो नॉन फंडा मेकर स्टूडेंट हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि नॉलेज सभी को मिलनी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी ने भी हमारे फंडा मेकर्स के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, ठीक है। और जो लोग न्यू हैं, जो लोग स्टूडेंट नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स को तो अपडेट मिलती रहती है नेक्स्ट सेशन वगैरह की, ठीक है। तो बाकी जो स्टूडेंट वगैरह नहीं है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि उनको भी फर्दर अपडेट वगैरह मिलता रहे। गाइस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ओवर हो चुका है। साहिल आईटी राइट, तो गाइस टाइम ओवर हो चुका है, क्योंकि ये मैराथन सेशन आपका 1 hour का ही रहेगा। मैंने ऑब्वियसली 10 minutes में ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुका हूँ, 6 minutes, समझे आप लोग। तो ये सेशन जो हमारा रहेगा ये 1 hour का ही रहेगा, आप बेफिक्र रहिए। मुझे 100 questions कराने हैं, ठीक है, और एक से एक जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आ जाना है आप। और हाँ, बस एक काम कीजिएगा, जो भी हमने सेशंस, मैं फिर से आज रिपीट कर दे रहा हूँ ये बात, जो भी हमने सेशंस वगैरह अभी तक किए हैं, प्लीज उसका अच्छे से रिविजन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, उसका आप बढ़िया से रिविजन कर लीजिए, ताकि आपको जो मैराथन सेशन में प्रॉब्लम ना रहे। साहिल यार कोई आईटी में तो नेट बहुत बढ़िया चलता है यार, अच्छी खासी 2-3 GB की भी कुछ मिनट्स में डाउनलोड हुई थी वीडियो। दिव्यांशु बहुत मजा आना है, आप इमेजिन, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते आपके लिए कितना ज्यादा यूजफुल रहेंगे ये सेशंस, ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने हैं सेशंस। बस आप लोग अगर रिविजन करते हैं तो मजा आ जाना है आपको बढ़िया से, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कि आपको एक ट्राइंगल का क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, और हाँ इस तरह से हमें करना है ये सेशन वगैरह कंडक्ट, कि आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं, ठीक है, ठीक है, आपको इस तरह से करना है कि आप लोग ऋषभ कुछ टाइपिंग एरर हो गया यार, आई एम द सेशन अलॉट। ओ प्रशांत अच्छा घर पर चले गए हो, ओहो। हर्षित यार ये हम लोग यार कुछ रूल्स है हमारा फंडा मेकर्स का, उसको फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है, तो मालूम है, जल्दी मिलेंगे, जल्दी मुलाकात होगी, बट इतने आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अभी काफ़ी क्वेश्चन, और देखिएगा लेवल क्वेश्चंस का इंक्रीज होता रहेगा, मैं पूरा क्वांट पूरा ज्योमेट्री आपको रिवीजन करा दूंगा, कोई क्वेश्चन अपने सर्कल करा, नेक्स्ट ट्राइंगल का मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट किसी और का मिल जाएगा। विमल यार मुझे मालूम है, मुझे पार्टनरशिप क्वेश्चन आपको सेंड करने हैं, ठीक है यार, मैं एक्चुअली मेरे पर्टिकुलर मेरे पास उसकी PDF वगैरह फॉर्म में नहीं है,
तो मैं आपको जैसे उसको कंडक्ट बना रहा हूँ, और जैसे कंप्लीट होता है मैं आपको सेंड कर दूंगा ये, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, आई होप यू पीपल लाइक दिस सेशन। तो अगर सही लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नीचे आता है कमेंट करने का, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, तो स्टे सेफ, घर पे रहिएगा, ठीक है, रूल्स फॉलो कीजिएगा, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर है फॉलो कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। हाँ प्रशांत, कर दो यार, डियर, कर दो, कोई नहीं, नो इशू।